प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और दरबेश का वाकया बताएंगे। दोस्तों, ये निहायत ही ईमान अफरोज वाकया है, इसीलिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। खुशहाली के दिन थे। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरबेश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत नेक और परहेजगार था। बादशाह उनसे बहुत इज्जत से पेश आया और मुलाकात के आखिर में उनसे फरमाइश की कि आप मुझे ऐसी चीज या कोई ताबीज या कोई वजीफा लिख दें जो कि इंतहाई मुश्किल में मेरे काम आए। बुजुर्ग खामोश रहे, लेकिन जब बादशाह बहुत जिद करने लगा तो दरबेश ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया और उस बादशाह को एक नसीहत की कि तुम इस कागज को जब ही खोलना जब तुम समझो कि बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी तुम इस कागज को इंतहाई मुश्किल और परेशानी के वक्त ही खोलना। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उस मुल्क पर हमला हो गया और दुश्मन की फौज ने बादशाह की फौज को हरा दिया। बादशाह को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। वो भागकर किसी जंगल में छुप गया। दुश्मन की फौज उसके पीछे थी। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और वो बादशाह थक कर अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि अचानक उसके जहन में उस दरबेश का दिया हुआ वो कागज याद आया। वो अपनी जेब टटोलने लगा तो खुशकिस्मती से वो कागज उसकी जेब में ही था। सिपाहियों की जूतों की आवाज उसके पास ही सुनाई दे रही थी। अब उसके पास उस कागज को खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब उसने उस कागज को खोला तो उसने देखा कि उस कागज में लिखा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि इस दरबेश ने मेरे साथ ये क्या मजाक किया है। कोई इसमें आजम होता या कोई सुलेमानी बिर्द, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने तहरीर को कई बार पढ़ा लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दरबेश ने ये क्या लिखा है और ये क्यों लिखा। आखिरकार उसने गुस्से में आकर अपनी तलवार उठाई और सिपाहियों का इंतजार करने लगा। जब सिपाही आए तो उसने सिपाहियों से डटकर मुकाबला किया और वो बच निकला। उसके बाद वो बादशाह कई सालों तक बहुत परेशान हुआ। वो काफी सालों तक मुसीबतें झेलता रहा। आखिरकार उसने मेहनत करके अपनी फौज इकट्ठा कर ली और फिर दोबारा से उस मुल्क पर हमला कर दिया और खुशकिस्मती से उसने उस मुल्क को दोबारा फतेह कर लिया और एक बार फिर से वो अपनी सल्तनत का बादशाह बन गया। उसने अपना मुल्क वापस ले लिया और फिर से अपने तख्त पर बैठ गया। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए और रियाया में उसका खूब तस्करा हुआ। उसके दरबार में और दरबार के बाहर में लोग सिर्फ अपने बहादुर बादशाह को देखने के लिए आने लगे। इतना बोलबाला देखकर बादशाह के दिल में गुरूर पैदा हो गया। वो अपनी बहादुरी पर और अपनी सल्तनत पर थोड़ा मगरूर हुआ ही था कि अचानक उसके दिल में दरबेश का लिखा हुआ बिर्द याद आया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, इसीलिए हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।